हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। सो वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर एंड क्वेश्चंस। ये इट वाज वेरी लेंदी चैप्टर, बहुत लेंदी था, बट एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको कहा था, इम्पॉर्टेंट भी है, लेंदी है। जितना बड़ा चैप्टर होगा उसकी इम्पोर्टेंस उतनी बढ़ भी जाएगी, और ये थोड़ा सामयिक भी है। अभी रूस यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो ये टर्म बड़ा सामयिक है और इसकी करंट प्रासंगिकता भी है, रेलिवेंस भी है। ओके, नाउ देखो, ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वाज स्टिल वेरी पेल। ओके, द बॉय मर्मर्ड। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, है ना। तो हमने देखा, उसने कहा, देखो जब तक मैं कहूँ तुम कुछ मुझे कहना मत, और तुम्हें अभी ठीक होने में समय लगेगा, तो तुम अपनी पहले स्ट्रेंथ जो है वो ताकत हासिल होने दो। अब उसने कहा, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली। उसने कहा मेरे को बहुत जल्दी थैंक्स मत कहो, क्योंकि अब उसने डॉक्टर का फर्ज तो निभा दिया, लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए जैपनीज़, है ना, अब उसको पुलिस को या आर्मी को देना पड़ सकता था। उसने कहा मुझे बहुत जल्दबाजी मत करो, है ना। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज, टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, जैसे जानवर के अंदर टेरर होता है, भय होता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन, लाल हो रहे थे उसके जो निशान थे। फॉर ए मोमेंट दो स्कार्स दैट वर दे, सदाओ डिड नॉट आस्क। सदाओ ने पूछा भी नहीं ये स्कार क्यों थे, ये चोट के निशान कैसे थे। हम जानते हैं युद्धबंदी था, वहाँ से भागा था, तो ज़रूर उस पर टॉर्चर किया गया होगा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन्ड, हाना वर्किंग हार्ड ऑन अकस्टम लेबर सॉ ए मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। अब दोपहर में हाना ने देखा एक आदमी आया है वहाँ संदेशवाहक, और वो वर्दी में है। हर हैंड्स वर वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, तो सांस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उनके घर में कौन था, दुश्मन, उन्होंने दुश्मन को शरण दे दी थी समहाउ, किसी तरह से। जैसे हमने देखा कि वो उनको बचाने की सेविंग हिज लाइफ एज ए डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ ने ट्राई किया था। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, उसने कहा नौकरों ने बता दिया होगा भाई, तभी आदमी यूनिफॉर्म में आया है। शी रैन टू सदाओ गैस्पिंग, वो हाँपती हुई गई सदाओ के पास में। और डिड नॉट अटर ए वर्ड, और एक शब्द भी उसने नहीं निकाला। बट बाय देन द इनएबल टू अटर ए वर्ड, एक भी शब्द अनएबल टू अटर ए वर्ड, वो एक शब्द निकालने में समर्थ नहीं थी। देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। वो उसने उसको बताया जहाँ डॉक्टर सदाओ था, वहाँ उसको लेके गई दिखाया। सदाओ लुकड अप फ्रॉम हिज बुक, ही वॉज इन द ऑफिस, द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, है ना। सदाओ अपने ऑफिस में था, और उसको दो भाग कर रखे थे रूम के, और एक भाग जो बाग में खुलता था। वॉट इज इट, ही आस्क द मैसेंजर एंड देन ही रोज सींग द मैंस यूनिफॉर्म। उसने देखा वर्दी में है, सेना की वर्दी में है, खड़ा हुआ। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। उन्होंने कहा जो बूढ़े हमारे जनरल हैं, पर सबसे बड़ा पोस्ट होती है जनरल की फौज में, तो आप वो पेन में हैं, दर्द हो रहा है उनको, आइए आप। ओ हाना ब्रीथ, इज दैट ऑल, हाना ने सोचा क्या यही बात थी। ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम, मैसेंजर ने कहा ऑल, मतलब आश्चर्य व्यक्त किया कि एक जनरल बीमार है पेन में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं हाना और डॉक्टर सदाओ वर वरिड, वो चिंतित थे कि प्रोबेबली एनी सर्वेंट वुड टेल द इंफॉर्मेशन दैट दे हैड एन एनिमी इन देयर हाउस, कि शायद नौकरों ने कह दिया हो कि शत्रु उनके घर में है। ओ ओके, नाउ इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी, उसने कहा ओ ये बात है, उसने कहा ओ आई एम सॉरी। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन बट डूइंग नथिंग, द चिल्ड्रन वर अस्लीप एंड शी सेट मीयरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क। वो उस अपने भय से ज़्यादा थक गई थी, ना कि काम से। वो उस समय भय हो गया ना कि उनको गिरफ्तार करने, या ये बात पता पड़ गई तो उनको
किस काम काम के लिए वो यूनिफॉर्म में वर्दी में आदमी आया है। अब उसने कहा आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। उसने कहा मुझे लगा आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ही गेज डाउन इन टू अर एंशियसली आईज, आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस। देखो एक बड़ा अच्छा वर्ड आया है, गेट रिड ऑफ, इसको बोलते हैं छुटकारा पाना, फ्रेजल वर्ब है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। उसने कहा तुम्हारे कारण मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना पड़ेगा। सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, सम हाउ कैसे भी मुझे इसे छुटकारा पाना है। सदाओ गोज टू सी द जनरल, सदाओ जाता है जनरल को देखने। ऑफकोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टूक ए डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जैपनीज हैव, आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सेलेंसी, सदाओ सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस। अब देखो इसमें यह दिखाया है, सदाओ ने ये बात कही है जनरल को जाकर, जो बात थी जनरल को बताई है, तो जनरल कहता है कि मैं खुद अमेरिका में ही पढ़ा हुआ हूँ, है ना, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, तो वो कहता है मेरे को उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैंने उसको ऑपरेट किया है, सफलता हासिल हुई है, जो उसकी गोली लगी थी उसको निकाला है। यस यस द जनरल सेड इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी, इंडिस्पेंसेबल होता है अपरिहार्य, मतलब जिसका कोई तोड़ नहीं हो। तो उसने कहा अरे तुम तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अपरिहार्य हो गए, इंडिस्पेंसेबल हो गए हो। इट ओनली मेक्स मी फील यू आर सो स्किल्ड, तुम इतने कुशल हो। भाई वो जो उनका एनिमी था उसको गोली लगी थी, मरने जैसी हालत में था, और डॉक्टर सदाओ ने बड़ी कुशलता से उसकी गोली निकाल के उसकी जान बचा ली। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। अब जनरल से पूछ रहा है क्या आपको लगता है कि एक और अटैक मैं ऐसे सहन कर सकता हूँ जैसा अटैक आज मेरे को, जैसी बीमारी का दौर या कुछ अटैक हुआ था वैसा एक अटैक और सहन कर सकता हूँ। नॉट मोर देन वन, सदाओ ने सर ने कहा एक कर सकते हो उससे ज़्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, इसलिए मैं अब तुम्हें कुछ होने की अनुमति नहीं दे सकता। देखो इसमें ये बात दिखाई है अपनी वाइफ के कारण, हाना के कारण उसने सारी बात जनरल को बता दी, ताकि उस पर कोई ट्रेचरी का, कोई देशद्रोह का, कोई इस तरह का केस ना चले। जनरल को बता दिया, जनरल का काम था वो उसको गिरफ्तार करे या क्या करे, है ना। जनरल खुद कहाँ पढ़ा था, अमेरिका में पढ़ा था, ये दोनों अमेरिका में पढ़े थे, तो ये बताया है कि आप जहाँ पर रहते हो, पढ़ते हो, जहाँ पर आप समय बिताते हो, वहाँ के कल्चर का आप पर असर बहुत पड़ता है, वो लोग आपको बुरे नहीं लग सकते, है ना। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, ओके। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थॉट। यू कैनॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड, जनरल ने कहा तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो जनरल वाज विद डॉक्टर सदाओ, जनरल अब डॉक्टर सदाओ के साथ में था। क्लोजिंग हिज आई, सपोज यू वर कंडेम टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माय ऑपरेशन, वो कहता चलो माना हम तुम्हें फांसी की सजा दे दी, मृत्युदंड दे दिया, तो मेरा अगले दिन ऑपरेशन होगा तो कौन करेगा। देयर आर अदर सर्जन एक्सेलेंसी, सदाओ सजेस्टेड, सदाओ ने कहा और भी तो सर्जन हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, नन आई ट्रस्ट, मैं किसी का विश्वास नहीं करता हूँ। उसने कहा मैं किसी का विश्वास नहीं करता, तो वो बहुत विश्वास पात्र था जनरल का। द जनरल द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन, सबसे अच्छे जो डॉक्टर हैं जर्मन लोगों के द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं, एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, और अगर मैं मर भी जाऊँ तो ऑपरेशन को सफल मानेंगे। जर्मनी उनका दुश्मन था, दूसरे ग्रुप में था। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड, इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटेलिटी। उसका मानना था जर्मन जो है बड़े निर्दयी होते हैं और जो अमेरिकन है बड़े भावुक होते हैं। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड गेट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। जनरल हंसने लगे और कहने लगे अगर मैं बेहोश भी हूँ तो तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर एज जैपनीज, कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। सदाओ स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी। तो उसने ये कहा जापान की जो रूथलेसनेस है, निर्दयता है, और अमेरिकन जो भावुकता है,
तुम इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं करते, दोनों को अपने अंदर क्यों नहीं लाते? सदाओ ने मुस्कुरा के कहा, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने मस्ती हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस ही सेड। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एंड एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रोट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर। जनरल के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना, युद्ध चल रहा था। द साउथ पैसिफिक, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अपॉन योर डोर स्टेप्स। उसने कहा बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो आदमी था ये तुम्हारे डोर स्टेप पर बहकर आ गया, बहकर आ गया। ये क्या है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी। नाउ आई फील इट सो माइसेल्फ, सदाओ सेड जेंटली। सदाओ भी कहता मुझे भी ऐसा लगता है। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। उसने कहा चलो ये बहुत अच्छा होगा अगर इसको शांतिपूर्वक बिना बताए किसी को इसको मार दिया जाए। दुश्मन है, अगर हम बताएंगे डॉक्टर सदाओ के पास था, तुम पर देशद्रोह का केस चलेगा। अच्छा होगा अगर हम इसे शांति से बिना किसी को बताए मार दें, है ना। द जनरल सेड, नाउ नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम। तुम नहीं, किसी और से मरवाएंगे जो उसको ना जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट्स, मेरे पास मेरे खुद निजी हत्या करने वाले लोग हैं। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। उसने कहा चलो आज या कल मैं ऐसे आदमियों को तुम्हारे घर भेज दूंगा, तुम्हें कुछ पता भी नहीं, और वो मार देंगे। इट इज़ नाउ वार्म, दैट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन। उसने कहा गर्मी का समय है तो तुम जो बाहर बगीचे की तरफ दरवाज़ा खुलता है उसको खुला रख देना, वहाँ से मेरे असैसिन जो हत्यारे हैं वो आएंगे और इसको मार देंगे। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड। इन फैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। उसने कहा हाँ ठीक है, और इसको इफ़ इट इज़ सो लेफ्ट ओपन मैं इसको नाइट को खोल दिया करूँगा और भेज के मरवा देना। गुड, द जनरल सेड योनिंग। जनरल जो है जमाई लेता हुआ होता है, ठीक है। दे आर वेरी कैपेबल असैसिंस, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक्स ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। देखो इनको टेक्निक मारने की भी सारी आती है, एक तो आवाज़ नहीं करेंगे, अंदर क्या ब्लीडिंग कर देंगे जो पता भी नहीं चलेगा और मार देंगे। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर चाहो तो वो शरीर भी, मृत शरीर जो डेड बॉडी है कॉर्प्स है, वो भी ले जाएंगे। सदाओ कंसिडर दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट। सदाओ ने कहा ठीक है ये बहुत बढ़िया होगा। एक्सीलेंसी ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। अब उसकी वाइफ हाना बहुत परेशान हो गई थी जब उसके वहाँ वो बताने मैसेंजर आया था जनरल बीमार है। उसने सोचा था उन्हें गिरफ्तार करने आए, तो शी वॉज मच वरिड, तो इसलिए वो उसको अब हटाना चाहता था। ही लेफ्ट द जनरल प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान इन द दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड। ही वुड टेल हाना नथिंग, वो हाना को कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि हाना को बताने से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। नारी हृदय है, अगर पता पड़ जाए उसको मार देंगे, किल कर देंगे, तो उसकी नींदें उड़ जाएंगी। हाना की एक जो सॉफ्ट हार्ट होता है ना, तो वो इसलिए उसने कहा मैं उसको कुछ भी नहीं बताऊँगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, है ना, घबरा जाएगी कि घर में कोई हत्या करने आएगा। शी वुड ओके एंड येट सर्टेनली सच पर्सन वर असेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान। एब्सोल्यूट बोलते हैं निरंकुश, भाई निरंकुश राज्य है जापान, तो ये जो हत्यारे हैं और इनकी ज़रूरत होती है। एब्सोल्यूट निरंकुश। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the Americans was in bed. But as he opened the door to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. वो अंदर गया, देखा कि वो आदमी तो तैयार है, खड़ा हुआ है और गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा है, मतलब वो ठीक हो गया, पहले से रिकवर हो गया। What is this? He exclaimed. उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा ये क्या कर रहे हो। Who gave you permission to leave your room? तुम्हें कमरा छोड़ने की अनुमति किसने दी। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। टॉम ने खुश होते हुए कहा मेरे को आदत नहीं है इंतजार की परमिशन के लिए। गॉश आई फील प्रिटी गुड अगेन बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ।
उसने कहा मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी मांसपेशी है, मसल्स है जहाँ ऑपरेट हुआ है ना, वो मुझे थोड़ी कठोर महसूस हो रही है, हार्ड महसूस हो रही है। इज़ इट सो, सदाओ इंक्वायर सरप्राइज, ही फॉरगॉट ऑल एल्स, नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज्ड इट एट द हीलिंग। अब जैसे बात उसकी मेडिकल साइंस की आई, पेशेंट की आई, तो सब भूल गया और उसने फटाफट उसका देखा जहाँ पर जो तकलीफ थी कि क्या बात है। ओके, इसका मैं मसाज में डू इट, ही सेड, इफ एक्सरसाइज डड नॉट इट वॉन्ट बॉदर मी इज मच, द यंग मैन सेड। उसने कहा मसाज से हो जाएगा है ना, अगर एक्सरसाइज से नहीं हुआ तो जो स्टिफनेस है, हार्डनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टब्ली ब्लॉन्ड बियर्ड, से डॉक्टर आई हैव गॉट नथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, इफ आई हैड नॉट मेट ए जैप लाइक यू, वेल आई वुडेंट बी अलाइव टूडे, आई नो दैट। उसने कहा देखो मैं आपको क्या बोलूँ, अगर आप जैसे जापानी मुझे नहीं मिलते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। सदाओ बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाओ झुका लेकिन कुछ बोल नहीं सका। क्यों नहीं बोल सका? क्योंकि वो जनरल को उसकी मौत का सौदा करके आया था, हालांकि वो अब ज़रूरी था उसके लिए, वो उसका एनिमी था, लेकिन उसने जनरल को बता दिया था और यही था कि एक दो दिन में क्या उसको वो आके उसके एसेसिन मार देंगे, इसलिए उसके अंदर गिल्टी थी, अपराध बहुत था, इसलिए वो कुछ बोला नहीं। श्योर आई नो दैट टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम देखो ये जो अमेरिकन जो नाविक था, वो सेलर था, उसका नाम है टॉम, रिमेंबर इट। उसका दुश्मन जो एनिमी था उसका नाम क्या था? टॉम। टॉम ने बड़ी गर्मजोशी से कहा, हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर वर वाइट एट द नकल्स, आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन ए वॉर, अगर सारे जापानी आप जैसे हों तो हमारे बीच में लड़ाई भी नहीं हो। परहैप्स सदाओ सेड विद डिफिकल्टी, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। उसने कहा ठीक है बाप, अच्छा रहेगा आप अगर कहाँ जाओ, बिस्तर पे चले जाओ। मैंने आपको पहले भी बताया था हेड वेटर के साथ वर्क की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ग्रामर का क्वेश्चन बनता है कई बार। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बोर्ड, गुड नाइट ही सेड। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट टाइम, अब सदाओ बड़ी बुरी से सोया रात को। देयर टाइम अगेन एंड अगेन ही वोक, बार बार जाग जाता था, क्यों? क्योंकि हो सकता है वैसे सिन्हा के उसको मार दें। थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुट स्टेप्स, द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन, ए नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड ए बर्डन। ठीक है, तो उसको कभी चलने की आवाज़ आती थी किसी की, कभी की कोई शाखा भी टूटती थी या कोई पत्थर गार्डन का हिल जाता था, तो अंदर से वो क्या सोचता था कि शायद जनरल के आदमी आके टॉम को मारने आए हैं, उसको मार देंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, इफ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, बट वेन ही ओपन द डोर ही सा एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो देयर वाज द शैगी ब्लॉन्ड हेड। जब वो गया दरवाज़ा खोला, उसने कहा शायद वो वहाँ नहीं होगा, जनरल के लोग उसको मार के ले गए होंगे, पर उसने देखा उसका भूरे बालों वाला सिर वहाँ था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप, और वो सुन पा रहा था उसकी शांति से सांस लेने की आवाज़। ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, दरवाज़ा बंद कर दिया उसने, ही इज़ अस्लीप, ही टोल्ड हाना, हाना को उसने कहा सो रहा है, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। सदाओ शुक हिज हेड, आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, ही प्रोमिस्ड। सदाओ ने सिर लाके का मैं एक या दो दिन में डिसाइड कर दूंगा, बट आई सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, देयर रोज ए विंड दैट नाइट एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बोज एंड विस्लिंग पार्टीशंस। उसने कहा चलो आज नहीं आया लेकिन अगले दिन जरूर कोई असैसिनर हत्यारा आ जाएगा मारने के लिए। हाना वोक टू, हाना भी जाग गई। ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, शी आस्क, हवा चल रही थी, टहनियाँ टूट रही थी, उसने कहा चल के जो बीमार आदमी है उसका हम पार्टीशन का दरवाज़ा बंद करके आ जाते हैं। नो सदाओ सेड, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। अब सदाओ को पता था वहाँ से असैसिन आएंगे असैसिनर, तो उसने कहा नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, अब वो इतना समर्थ है खुद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, दूसरी सुबह भी वहाँ वहाँ था, मतलब दूसरे दिन भी कोई नहीं आया मारने उसको। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, उसने कहा चलो अभी भी नहीं आया लेकिन तीसरी रात को जरूर आएगा। द विंड चेंज टू क्विक रेन एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ द
साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईज एंड रनिंग स्प्रिंग्स, है ना, बारिश हो रही थी. सदाओ स्लेप्ट ए लिटल बेटर, सदाओ थोड़ा अच्छे से सोया, बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लीप टू हिज फीट. तो जोरदार आवाज़ आई कुछ गिरने की, तो भागा भागा गया. व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाई, क्या हुआ? द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी. जो उनका बच्चा था वो भी जाग गया, रो रहा था. बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन उसने, सदाओ ने उसको पकड़ लिया हाना को, उसको जाने नहीं दिया. सदाओ शी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विद यू. हाना ने सदाओ से कहा, क्या बात है, आप ऐसे परेशान क्यों हो. डोंट गो ही मटर्ड, वो बुदबुदाया, मत जाओ. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसके भय से वो भी भयभीत हो गई, उसके भय का संक्रमण हाना पर भी हो गया. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर. देखो ये ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज है, भाषा की सुंदरता है, कैसे उन्होंने इन्फेक्शन बताया है किसका, भय का. एंड शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग, देयर वॉज ओनली साइलेंस. टूगेदर दे क्रैप्ट बैक इन टू द बेड, द बेबी बिटवीन देम. धीरे से गए और वापस आके अपने बिस्तर पे आगे लेट गए, बच्चा उनके बीच में था. येट वेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, सुबह दरवाजा खोला, देयर वॉज अ यंग मैन, वो युवा व्यक्ति तो वहीं था, टॉम. ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, है ना, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, नहा चुका था. ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर येस्टरडे एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, उसने रेजर मांगा तो आज अपनी शेविंग भी कर ली थी. एंड टूडे देयर वॉज ए फेंट कलर इन हिज चीक्स, आज थोड़ा उसका हल्का कलर भी गालों पे दिखाई दे रहा था. आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, उसने बड़ा खुश होकर कहा मैं अब ठीक हूँ. सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी, ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट. इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर हिज यंग मैन्स लाइफ, नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन. उसने कहा नहीं, इतना तनाव लेने की ज़रूरत मेरे को नहीं है, सदाओ ने सोचा. यू आर वेल, सदाओ एग्रीड, ही लोअर्ड हिज वॉइस, यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोदिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटल आईलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट. उसने कहा तुम इतने सही हो गए हो, मैं अपनी अगर नाव दे दूँ तो यहाँ से वो जो दूर आईलैंड है, द्वीप है, तुम वहाँ तक जा सकते हो. इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. उसने कहा इतना पास में है कि इसका दुर्गीकरण भी नहीं किया गया है, कोस्ट के पास में है, नोबडी लिव्स ऑन इट, कोई भी रहता नहीं है वहाँ, बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज, क्योंकि जब तूफान आता है तो ये डूब जाता है. बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अभी तूफान का समय नहीं है. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, तुम वहाँ तब तक रह सकते हो जब तक कि तुम्हें कोई कोरिया का जहाज वहाँ से गुजरते हुए नहीं दिखाई देता. कोरिया का जहाज हुआ तो कोरिया अमेरिका के साथ फ्रेंडली टर्म्स से, तो वहाँ तुम जा सकते हो. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैदम्स डीप देयर, काफ़ी गहरा होता है पानी आइलैंड के पास में, इसलिए जहाज पास से निकलते हैं. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, डू आई हैव टू, ही आस्क, उसने कहा क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा. आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने बड़ी भद्रता से कहा हाँ आपको करना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, उसने कहा तुम्हें पता होना चाहिए ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि तुम यहाँ हो. इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, ये छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है, बहुत लोगों को पता है कि तुम यहाँ हो. ये तुम्हारा यहाँ से जाना ही तुम्हारी जान बचा सकता है. द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, ओके ही सेड सिंपली, बिल्कुल समझ गया बात, और उसने कहा ठीक है. सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, एज सून एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर एंड इन इट पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे. दिन में वो इसके लिए पानी खाना लेके आया था, बोट लेके आया, बोट उसने धीरे से क्या किया, अंधेरा होने पर धकेल दी. एज वेल एज टू क्विल्ट्स, समुद्र के पास हवा चलती है ठंडी, सर्दी होती है रात में और भी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए दो रजाई भी लेके आया था वो. ही हैड बॉट टू ए पॉन शॉप द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट टू द वाटर फॉर द टाइड वाइज हाई, देयर वॉज नो मून एंड ही वर्क्ड विदाउट ए फ्लैश लाइट, बिना फ्लैश लाइट के, बिना लाइट के उसने काम किया.
लाइट से शक हो सकता है ना, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, क्या बात है, लड़ाई का समय था, वॉर टाइम था। देन ही केम टू द हाउस, फिर घर में आया, ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क एंड सो हाना न्यू नथिंग यूमी वाज हियर टुडे। वो घर पे ऐसे गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और उसने कहा यूमी आज आई थी, शी सैड शी सर्व्ड हिज सफर दो शी वाज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। हाना ने उसको खाना परोसा, वो बहुत मॉडर्न थी लेकिन फिर भी उसके साथ खाना नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद द साइड। वो बताने लगी यूमी जो बच्चों के गवर्नेस थी, बच्चों के लिए रोई, शी मिसेस हिम सो, और बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस करती है। द सर्वेंट विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज गॉन, सदाओ सर, सदाओ ने कहा जब ये विदेशी व्यक्ति चला जाएगा तो नौकर भी जल्दी वापस आ जाएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, द स्टेट ऑफ द वूंड एंड हिज हार्ट एंड पल्स। अब उसने उसके लिए बोर्ड खाने का सबका इंतजाम तो कर दिया था, अब उसने आके देखा, सब कुछ देखा, टेम्परेचर पल्स वगैरह सब सही था। द पल्स वॉज इरेगुलर, हाँ नाड़ी की जो गति थी वो थोड़ी सी अनियमित थी, बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, है ना, घबराहट के कारण वो हो सकता था। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस टूगेदर एंड हिज आईज बर्न, ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड। वो भी घबराया हुआ था। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ, उसने सदाओ को कहा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप दोबारा मेरी जीवन बचा रहे हो। दोबारा कैसे बचा रहे हो, फर्स्ट टाइम ऑपरेशन करके बुलेट निकाली, उसको बचाया, जीवन दिया, और अब दोबारा उसको यहाँ से निकालने के लिए। नॉट एट ऑल, सदाओ सेड इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। सदाओ ने कहा नहीं, वो मेरे को यहाँ तुम्हें रखने से बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट, बड़ा उसको हिचकिचाहट हुई फ्लैश लाइट देने से, है ना, ताकि वो फ्लैश लाइट अगर देगा तो पकड़ में आ सकता है, दूर से देखा जा सकता है। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, इट वॉज ए स्मॉल वन हिज ऑन विच ही यूज टू यूज एट नाइट वेन ही वॉज कॉल्ड, एक छोटी लाइट थी उसके पास, जब उसको कोई बुलाता था तो वो उसको काम में लेता था। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बोर्ड, ही सेड सिग्नल मी टू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन। उसने कहा जब सूर्यास्त होने वाला हो तो अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, जहाज नहीं आया हो कोई, तो मुझे दो बार फ्लैश लाइट करना। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में मत करना, फॉर इट विल बी सीन, अंधेरे में सिग्नल किया तो वो देखा जा सकता है। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, अगर तुम सही हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार सिग्नल कर देना। कब करना है, जब सूर्य अस्त होने वाला हो, ना कि रात में। ओके ओके, ये हो गया था हमारा, है ना। तो उसने उसको सारा इंतजाम किया और उसने कहा कि तुम मुझे इस तरह से सिग्नल कर देना, ठीक है। ओके, यंग मैन ने कहा ठीक है। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जैपनीज क्लोथ, उसको जापानी कपड़े भी पहना दिए, विच सदाओ हैड गिवन हिम, जो सदाओ ने उसको दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड ए ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, जो उसका भूरे बाल वाला सिर था उस पर काला कपड़ा बांध दिया, जापानी कपड़े पहना दिए। नाउ सदाओ सेड द अमेरिकन, द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड शुक सदाओ एंड वार्मली एंड देन वॉक क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इन टू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। वंस ट्वाइस सदाओ सॉ हिज लाइट फ्लैश ऑन टू फाइंड द वे, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देर वॉज वन मोर फ्लैश। उसने इंतजार किया जब तक कि एक फ्लैश नहीं आ गया, जब वो आइलैंड में पहुँच गया उसने वहाँ सही से पहुँचने का संकेत फ्लैश कर दिया था। Then he closed the partition, फिर उसने वो जो उसका दरवाज़ा था partition बंद कर दिया। That night he slept, और उस रात वो सो गया। You say the man escaped, the general asked faintly, अब उसने जाके बताया कि वो आदमी तो भाग गया है। He had been operated upon a week before, an emergency operation in which Sadao had been called in the night. For 12 hours Sadao had not been sure the general would live. Emergency हो गई थी जनरल की,
तो उसने आके सदाओ ने उसका ऑपरेशन किया था और 12 घंटे तक पता नहीं था कि जनरल बचेगा या नहीं। द गॉल ब्लैडर वाज मच इन्वॉल्व, गॉल ब्लैडर जो था वो ऑपरेशन में ज़्यादा रोगग्रस्त था, ठीक है। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिंस सो फार एज यू न्यू दे हैड नेवर कम। सदाओ ने पूछा नहीं असैसिंस का क्योंकि उसको पता था वो हत्यारे नहीं आए। द सर्वेंट हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट, नौकर वापस आ गए, यूमी वापस आ गई, यूमी गेस्ट रूम को क्लीन कर रही थी थोरोली एंड हैड बर्न सल्फर इन टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, और उस गोरे आदमी की स्मेल दूर करने के लिए सल्फर जला रही थी। नोबडी सेड नथिंग, ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रिसेंथेम्स। किसी ने कुछ नहीं कहा और वो अपनी वेलों को वगैरह संभाल रहा था गार्डनर। बट आफ्टर ए वीक सदाओ फेल्ट द जनरल वाज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। एक सप्ताह बाद सदाओ ने देखा कि जनरल अब ठीक हो गया है, उससे बात करनी चाहिए। यस एक्सेलेंसी ही एस्केप्ड, उसने कहा हाँ महाराज वो भाग गया। सदाओ नाउ सेड ही कफ्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आइज सडनली, पर अचानक बूढ़ा आदमी था उसने अपनी आँखें, वो जनरल था बूढ़ा, उसने आँखें खोल ली। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। और उसको अब जनरल को याद आया, उसने कहा मैंने आपसे उससे वादा नहीं किया था क्या कि मैं उसको मरवा दूंगा। यू डिड एक्सेलेंसी सदाओ सेड, सदाओ ने कहा हाँ महाराज आपने कहा था। वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड बट यू सी आई एम सफरिंग ए गुड डील, द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू। अब उसने कहा कि देखो बात तो सही है लेकिन मैं अपना वादा, तुमसे किया हुआ वादा भूल गया। तो जो गलती का जो क्रेडिट था वो उसने सदाओ ने जनरल पर डाल दिया, क्योंकि जनरल ने ये कहा था कि मैं मरवा दूंगा उसको। आई वंडर्ड योर एक्सेलेंसी सदाओ मर्मर्ड, इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी। अब जनरल ने कहा देखो वेरी केयरलेस ऑफ मी, ये मेरी निश्चित रूप से मेरी लापरवाही थी, जनरल ने कहा। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लेक ऑफ पेट्रियोटिज्म और डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, ही लुक्ड एंक्शियसली एट हिज डॉक्टर। इफ द मैन मैटर शुड कम आउट यू यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुड डंट यू, सर्टेनली योर एक्सेलेंसी सदाओ सेड। ही सर्टेनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। आई कैन स्वेयर यू टू योर लॉयल्टी एक्सेलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल एंड टू ड्यूल अगेंस्ट द एनिमी। यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज हिज आई, यू विल बी रिवार्डेड। तो इस तरह से उसने जनरल के ऊपर उसकी सारे गलती का ठीकरा डाल दिया और जनरल ने भी कहा ठीक है तुम्हें तो रिवार्ड दिया जाएगा, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बट सदाओ सर्चिंग फॉर स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट हैड इज रिवार्ड, देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, सो नो वन वॉज द आईलैंड, हिज प्रिजन वॉज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस, फॉर ही हैड वॉन्ट हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट। उस शाम को सूर्यास्त होने पर जब उसने लाइट का इंतजार किया, फ्लैश लाइट आएगी नहीं आई, इसका मतलब उसको शायद कोई कोरिया का बोट मिल गया होगा और टॉम वहाँ से जा चुका। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वरांडा गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेयर द यंग मैन हैड, तो इस तरह से वाई आई कुड नॉट किल हिम। तो ये पर्लेस बक की बहुत शानदार हमने स्टोरी पढ़ी है, बहुत लेंथी थी और इसमें यही बताया है कि मानव धर्म जो है बहुत बड़ा है और जो लड़ाई है वो मानवता को नष्ट, लड़ाइयों के बहुत विरोधी थे, युद्ध के बहुत विरोधी थे। चलो अब नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। देखो व्हाट इंप्रेशन ऑफ डॉक्टर सदाओ फादर डू यू हैव फ्रॉम द स्टोरी, है ना, सदाओ के पापा का क्या प्रभाव था। देखो सदाओ फादर वाज़ ए डेडिकेटेड फादर, बड़े समर्पित पिता थे। ही टुक ग्रेट पेन्स इन टेकिंग केयर ऑफ हिज ओनली सन, उनका अकेला बेटा था, उनकी वाइफ नहीं थी, सदाओ की मम्मी नहीं थी, तो ही डिड नॉट री मैरी अगेन, दोबारा शादी नहीं की थी उन्होंने और बड़े प्यार से उसको, बड़े कष्टों के साथ उसको पाला था। ही वेंट हिज सन इवन टू अमेरिका फॉर हायर एजुकेशन, हमने देखा था एट द एज ऑफ 22 ईयर्स सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका, 22 साल की उम्र में भेज दिया गया था, 30 साल की उम्र में वापस अमेरिका से सर्जन बनकर आ गए थे। सो ही वाज एन आइडियल फादर, बड़े आदर्श पिता थे। नाउ वाई वाज सदाओ नॉट सेंट विथ ट्रूप्स, सदाओ को सेना के साथ क्यों नहीं भेजा जाता था।
देखो सदाओ वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी एंड द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम. जो जनरल साहब थे उनको कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी. सो सदाओ वॉज नॉट सेंट विद ट्रूप्स. सदाओ को इसलिए नहीं भेजा जाता था क्योंकि ही वॉज वेरी स्किल्ड सर्जन एंड साइंटिस्ट ऑल्सो. बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी था, है ना. ही डिस्कवर्ड ए मेडिसिन विच इज़ वेरी यूजफुल इन अगेंस्ट द इन्फेक्शन. तो जो इन्फेक्शन होता है उसमें उसकी जो मेडिसिन थी वो बहुत उपयोगी हुआ करती थी, इसलिए उसको नहीं भेजा जाता. नाउ हाउवर सदाओ एंड हाना मैरिड टू ईच अदर. सदाओ और हाना की शादी कैसे हुई है ना. डॉक्टर सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हिज लव फॉर हाना. हिज फादर फर्स्ट कन्फर्म दैट शी वॉज ऑफ प्योर जैपनीज रेस देन देवर मैरिड. पहले उसके पापा को ये आश्वस्त करना पड़ा कि वो प्योर जापानी है, प्योर रेस है, तब उसके पापा तैयार हुए और उनकी शादी हुई. और मिले कहाँ थे वो, अमेरिका में मिले थे, दोनों की वहीं पढ़ाई हुई. ओके नाउ व्हाट प्रॉम्प्टेड डॉक्टर सदाओ टू सेव द सोल्जर्स लाइफ. किस बात ने डॉक्टर सदाओ को प्रेरित किया कि उस सिपाही की जान बचाई जाए. सदाओ वाज अ डॉक्टर सो द डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन प्रॉम्प्टेड हिम. देखो डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन, उसका जो अपने प्रोफेशन के साथ में समर्पण था उसने उसको प्रेरित किया कि सिपाही की जान बचाए. दो ही बिलोंग टू हिज एनिमी कंट्री, हालांकि वो उसके दुश्मन देश से संबंध रखता था. ओके नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन. हाना टोल्ड यूमी टू वॉच द सोल्जर, हाउ डिड यूमी रिएक्ट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूमी, आप याद रखना गवर्नेस थी, मैंने बहुत बार दोहरा दिया है. तो हमने देखा था ना यूमी ने मना कर दिया था कि मैं वॉश नहीं करूँगी. देखो डॉक्टर सदाओज वाइफ हाना आस्क्ड हर सर्वेंट यूमी टू वॉश द वाउंडेड सोल्जर. हाना ने यूमी से कहा घायल सिपाही को वॉश करने के लिए, साफ करने के लिए. बट शी रिफ्यूज टू वॉश एन एनिमी सोल्जर. उसने एक दुश्मन देश के सिपाही को साफ करने के मना कर दिया. सो शी हर सेल्फ वॉश द सोल्जर. इसलिए जो हाना थी उसने खुद ही उसको टॉम को वॉश किया. ओके नाउ हाउ डिड द सर्वेंट बिहेव व्हेन सदाओ शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन हिज हाउस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जो नौकर थे उन्होंने कैसा बिहेव किया जब उनको पता पड़ा डॉक्टर सदाओ ने एक गोरे आदमी को, सफ़ेद आदमी को अपने घर पर शरण दिए. द पेट्रियोटिक सर्वेंट डिड नॉट लाइक टू शेल्टर एन एनिमी सोल्जर इन द हाउस. जो बड़े देशभक्त थे वो नौकर, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था शत्रु देश के सिपाही को घर में शरण दी जाए. सो दे रिफ्यूज टू कोऑपरेट एंड इवन लेफ्ट देयर जॉब. ये याद रखने वाली बात है. सो दे रिफ्यूज टू कोऑपरेट. उन्होंने बिल्कुल सहयोग करने से मना कर दिया और अपनी नौकरी छोड़ दी. What thought came to the mind of Sadao and Hana as they saw the white man? है ना, ये अपने राजस्थान बोर्ड में भी आया वो क्वेश्चन है. जब उन्होंने सफ़ेद आदमी को गोरे आदमी को देखा तो डॉक्टर सदाओ और हाना के मन में क्या विचार आए. Seeing the white man at their doorstep, Sadao and Hana were puzzled. वो बड़े परेशान थे because the white man was their enemy. जो white man था was their enemy. वो उनका दुश्मन था. But they felt pity ऑन सीइंग हिम वाउंडेड. लेकिन जब उसको देखा तो उनको दया आई, वो जब घायल था. बट ही बिलोंग टू द देयर एनिमी कंट्री एंड सेविंग हिज लाइफ वुड बी एन अनपेट्रियोटिक एक्ट. अब वो उनके दुश्मन देश का था, अगर उसकी लाइफ को बचाएंगे तो वो राष्ट्रद्रोह का कार्य था. दे वर फेस्ड बाय द डिलेमा वेदर टू हेल्प द मैन एंड दिस वाउंडेड स्टेट और हैंड हिम ओवर टू द पुलिस. दे वर फेस्ड बाय ए डिलेमा. उनको बड़ी दुविधा हुई. डिलेमा धर्म संकट बोलते हैं, दुविधा बोलते हैं. याद रखने वाला शब्द है DILEMMA, डिलेमा. यूज़ इट वेन एवर. तो इसमें क्या है, पूरे पाठ का जो सारी डिलेमा ही है ना, हमारी अंतरात्मा का डिलेमा है, दुविधा है, धर्म संकट है. उनका धर्म संकट यही था ना, वो उसको हैंड ओवर करें या उसको बचाएं, ये पूरा डिलेमा था. वेदर टू हेल्प द मैन इन दिस wounded state or hand him over to the police. Their servant were against the idea of their master, so they left the job. But the doctor and his wife did not change the idea of
ट्रीटिंग द वुंडेड सोल्जर, लेकिन जो हाना और उसके हस्बैंड थे दोनों ने अपना इरादा नहीं बदला घायल सिपाही की मदद का। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी, ये पूरी पार्ट का मॉरल पूछ रहे हैं वो, ठीक है, क्या मॉरल है स्टोरी, क्या मैसेज देती है। द स्टोरी गिव्स द मैसेज ऑफ ह्यूमन लव एंड ब्रदरहुड, क्या देती है, ह्यूमन लव, मानवता के लिए जो इंसान के लिए प्यार है भाईचारा उसका संदेश देती है। इट टीचेस अस टू राइज अबव नैरो फीलिंग्स ऑफ नेशनैलिटी एंड कंसिडर द होल वर्ल्ड एज अवर फैमिली, जो हमारे बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम। देखो इसमें याद करने वाली बात है, नैरो फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी, राष्ट्रवाद की जो संकीर्ण भावना से ऊपर उठने की बात इसमें पर्ल एस बक ने, जो लेखक जी हैं, उन्होंने कही है। वी सी दैट बेसिक ह्यूमन गुडनेस ओवर पावर ऑल द फैक्टर, जो मानवता की मूल भावना है ना वो सब चीज़ों से ऊपर होती है। वी लर्न टू लिसन टू अवर कॉन्शियस, हमें हमारी आत्मा की आवाज़ को सुनने के की सीख रखनी चाहिए, सीखना चाहिए, हमें आत्मा की आवाज़ माननी चाहिए। दैट इज़ बेसिकली गुड। वी लर्न टू डेवलप ह्यूमन फीलिंग्स इन अस एंड पुट देम अबव एवरीथिंग एल्स इन प्रैक्टिकल लाइफ, और हमें हर चीज़ से ऊपर उसको रखना चाहिए। हाउ डिड डॉक्टर सदाव रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री एंड द ड्यूटी एज ए डॉक्टर। अब सदाव ने कैसे समाधान किया, देखो डॉक्टर सदाव ब्रोड द वुंडेड एनिमी सोल्जर एट होम, घायल सिपाही को लिया है अपने घर पे। लेटर ऑन हिज माइंड वाज टॉर्न बाय द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लॉयल्टी, ये वर्ड याद रखना, देखो कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष हो रहा था किस किस के बीच में, हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री अपने देश के प्रति उसकी वफादारी, एंड हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर और अपनी एज ए डॉक्टर डॉक्टर के रूप में अपना कर्तव्य, इट वॉज हिज मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी एज ए डॉक्टर, भाई नैतिक दायित्व था उसका डॉक्टर के रूप में टू ट्रीट एन इल और वुंडेड पर्सन, कि वो एक बीमार घायल व्यक्ति को उपचार करे इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनैलिटी, उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फाइनली हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर कंपेल हिम टू हेल्प द एनिमी सोल्जर दस रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। सदाव वैल्यूड ह्यूमन वैल्यूज अबव एवरीथिंग एल्स, सदाव जो था उसने जो मानवीय मूल्य हैं उनको सबसे ऊपर रखा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा प्यारा पार्ट अपना ख़त्म हो गया है, और बहुत लेंथी पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें अपने को सारी जो कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सदाव का है, हाना का है, कैरेक्टराइजेशन जो है चरित्र चित्रण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे के जो पार्ट हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, वो इजीली हो जाएंगे, तो इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझना और देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।